नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोहर तंती। मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। दिन हमने बोडविल पीएचडी के लिए जो पानी आता है कालो नदी, उधर तक गए थे पंप हाउस तक, और कोई कोई बोल रहा था, मुझे डरा भी रहा था कि उधर स्मशान है। हम जानते हैं स्मशान है, लेकिन हम किस भूत का क्या बिगाड़े हैं जो हमको पकड़ेंगे। इस चलते और थोड़ा हमको भी थोड़ा हिम्मत चाहिए था कि अगर स्मशान नहीं जा पाएंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं। इसी चलते हम गए थे, उधर एक मंदिर भी है और मंदिर के पास में जो झरना है उधर एक बुज़ुर्ग नहा रहा था, तो हमको और हिम्मत आया, अगर इस टाइम में बुज़ुर्ग आकर नहा सकता है तो हम क्यों नहीं घूम सकते हैं। तो उधर एक फॉरेस्ट पार्क भी है, तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, और नदी के तरफ गए तो नदी में के तरफ भी अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। सिर्फ वीडियो में सिर्फ साउंड सुनाई पड़ेगा, विजुअली कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का फ्लैश में भी इतना अच्छा नदी का व्यू नहीं दिख रहा था। गुड इवनिंग, आज हम घूमने जाते हैं मार्केट के तरफ थोड़ा। कल गए थे करा विलेज बलानी तक, देखते हैं कितना दूर आज जा पाते हैं। 6:06 हो गया। फाइनली हम नदी के किनारे आ गए, अंधेरे में दिख नहीं कुछ रहा है और ये धुंधला धुंधला दिख रहा है। आज का मेरा कितना किलोमीटर चलना हो गया पता नहीं, और ये वाला तो चल रहा है और लाइट है। चलो दिखाते हैं, ये वो क्या फॉरेस्ट पार्क है बोल के लिखा हुआ था, और इधर पानी मशीन सब बैठा हुआ है जो सप्लाई हो रहा है बोडविल म्यूनसिपालिटी के तरफ, और ये नदी का आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग। इधर पानी सब बंधा हुआ है जिसे पानी सप्लाई हो रहा है, नदी तो दिखा नहीं रहा होगा आप लोगों को। ये सुनसान रास्ता है, नदी से लगभग 800-900 मीटर के बाद पड़ता है। नदी के पास में एक पंप हाउस है और एक मंदिर है, और इधर कुछ झोपड़ी घर है। ये जो सुनसान रास्ता पार होने के बाद सातबहार आएगा। हमने अपना आज का एडवेंचर कंप्लीट कर दिए, लगभग बोडविल कॉलेज से 6 किलोमीटर का तो रास्ता हो ही जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के वजह से मैं यहाँ तक, हमारा फैमिली 200+ हो गया। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। नमस्कार।